नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगरा में नामांकन के लिए तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि आगरा में पहले चरण में चुनाव होना है, वहीं 14 जनवरी से नामांकन शुरू हो जाएगा, जिसे देखते हुए एडीएम अजय कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग का काम भी शुरू हो गया है। वहीं प्रत्याशी के साथ सिर्फ दो ही लोग नामांकन कक्ष में जा सकेंगे। नामिनेशन के संबंध में 14 तारीख से जो नामिनेशन शुरू होना है उसके संबंध में हम लोगों ने यह देखा है कि नामिनेशन कार्यालय से 100 मीटर दूर जो भी प्रत्याशी आएंगे उनको उनके वाहन को रोकना है और प्रत्याशी के साथ केवल दो व्यक्ति और आ सकते हैं अंदर। खबर बलिया से है। बलिया में आचार संहिता की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और यह सब हो रहा है बलिया महिला जिला चिकित्सालय में, जहां खुशहाल परिवार दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाई दी। यह तस्वीर महिला सीएमएस सुनीता सिंह के कार्यालय में लगी है। दरअसल आचार संहिता लगने के बाद भी ये तस्वीरें नहीं हटाई गई है। लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या को लेकर बिजनौर डीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। डीएम ने कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। साथ ही कोविड केसेस बढ़ने पर मरीजों को किस तरह की कोई असुविधा ना हो इसके बारे में कोविड पैनल नियुक्त कर डॉक्टरों से बातचीत की। बता दें कि बिजनौर जिले में इस समय कुल 207 कोविड मरीजों की संख्या सामने आई है। वहीं लगातार कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देखा गया है कोविड हॉस्पिटल की तैयारी के संबंध में निरीक्षण किया गया है और ये देखने के लिए हम लोग आए थे कि यहाँ जो है सभी बेड तैयार हैं कि नहीं, ऑक्सीजन की सुविधा है कि नहीं, स्टाफ की उपलब्धता है और वो लोग ट्रेनिंग पा चुके हैं कि नहीं पा चुके हैं, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग देखने आए। थैंक यू। हमीरपुर के सरीला क्षेत्र में 4 दिन से हो रही लगातार बारिश से किसानों की फसलों में पानी भर गया है और किसान पानी निकालने में जुटे हुए हैं। सरीला क्षेत्र के छेड़ी, बेनी, बरखेड़ा, बंगरा, धौहल आदि गांवों में किसानों की फसलों में पानी भरा हुआ है, जिससे फसल गलने की शंका है। हाथरस में भाजपा ब्रज क्षेत्र मंत्री डॉली माहौर के नेतृत्व में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर महिलाओं को टीका लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ 5 सदस्य टीम जनता से जनसंपर्क कर रही है। टीम ने योजनाओं के लाभार्थियों के घर पार्टी के सिंबल लगाए हैं। बीजेपी के यूपी प्रभारी राधामोहन सिंह के कोरोना पॉजिटिव होने और उसके बाद स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उनके संपर्क में आने के बाद भी खुद को क्वारंटाइन ना किए जाने पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बीजेपी के नेता राधामोहन सिंह जी कोविड पॉजिटिव निकले, कल ही वो अपने कार्यालय पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष, बाकी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। जिन नेताओं को 3 दिन आइसोलेशन में रहना चाहिए वो घर घर जाकर के कोरोना फैला रहे हैं। अब इनके खिलाफ कौन FIR करेगा, कौन मुकदमा दर्ज करेगा? कम से कम नहीं अपनी जान की चिंता है तो आम आदमी की तो चिंता करिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान के साथ ही यहां बड़ा सियासी उलटफेर हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। ओबीसी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उनके साथ तस्वीर भी ट्वीट कर दी, जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य के भविष्य का रास्ता भी स्पष्ट होता नजर आ रहा है। सूबे के सियासी गलियारों में कई दिनों से अटकलें तेज थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी को छोड़ अखिलेश की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को राज्यपाल को पत्र लिखकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छठु, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा के चलते मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। देश भर में फिर एक बार कोरोना के नए स्वरूप ने दस्तक दे दी है, तो वहीं मुरादाबाद में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच एक मरीज को सांस लेने में दिक्कत आने के चलते जिला अस्पताल में मरीज के परिजनों द्वारा भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने मरीज का इलाज शुरू कर दिया। मरीज का एंटीजन टेस्ट हुआ जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो मरीज के परिजन मरीज को अस्पताल से लेकर फरार हो गए, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में मरीज को लेकर परिजन भाग गए, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मरीज की तलाश शुरू करती है।
कि ये बात आपकी सही है कि एक मरीज भागने की खबर है। इस संबंध में सिविल लाइन थाने को सूचित किया गया है और वो लोग उस मरीज को पता लगा के शीघ्र ही अवगत कराएंगे, तदनुसार आपको भी जानकारी देंगे। मुरादाबाद की एक बैंक में गोली चलने से दो छात्राओं सहित चार लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बैंक के गार्ड की बंदूक से ही गोली चली थी। यूनियन बैंक में गोली चलने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद गुस्से में परिजनों ने बैंक के दरवाजे शीशे तोड़ दिए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। ये पूरा मामला थाना मुगलपुरा का बताया जा रहा है। के बाहर खड़े थे, अंदर से एकदम फायर हो गया। किसने किया फायर? पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दिया किसने किया, किसने नहीं किया। कौन सी बैंक का मामला? यूनियन बैंक गोकुलदासपुरा। कुछ पता नहीं आपको? कुछ नहीं पता, अंदर से हुआ था, हम लोग खड़े हुए थे, धीरे धीरे सबको ले रहे थे, हमारा नंबर, हम जाने वाले थे कि अंदर से एकदम फायर हो गया। मछली पालन के लिए गोमती घाट की नीलामी नहीं देने पर आवेदकों ने मत्स्य विकास अधिकारी की अमानवीय तरीके से धुनाई कर दी। बाइक पर सवार अराजक तत्वों ने अधिकारी को लहूलुहान कर दिया। उनकी तहरीर पर गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नीलामी सदर की गोमती नदी नीलामी होनी थी, उसमें मैडम ने हमको कहा कि आप संतोष राम इंस्पेक्टर साहब के सहयोग में चले जाइए, वहाँ की नीलामी कराइए। हमने उनके साथ चल के तहसील सभागार में आज नीलामी हुई, दो घाट नीलाम हुए, एक घाट नीलाम नहीं हुआ। उसमें एडीएम साहब हमको कहे कि शाम को हमसे मिल के उस पर वार्ता करके आप जाइएगा। तो उसी वही यूपी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उनका इस्तीफा बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सपा ज्वाइन की, जिससे कई तरह की प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी मतलब खत्म, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगा वो हारेगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने साफ संदेश दे दिया है। 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा। बस्ती सदर कोतवाली के APNPG कॉलेज के प्राचार्य पर आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। आचार संहिता लगने के बाद बिना अनुमति के कॉलेज के छात्राओं को सरकारी योजना से लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट वितरित किया जा रहा था। बस्ती सदर विधानसभा में आदर्श आचार संहिता लगने के बाद आचार संहिता उल्लंघन मामले में DM के आदेश पर जिले में पहली FIR दर्ज की गई है। कल दिनांक 10 जनवरी को थाना कोतवाली पर विधानसभा 310 बस्ती सदर के वीडियो सर्विलांस टीम के प्रभारी नरेंद्र कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी कृषि ने एक आधार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा पंजीकृत कराया है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि APN डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के द्वारा बिना अनुमति के छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप बांटे जा रहे थे। उनकी इस तहरीर के आधार पर 171E में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जो आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जन विश्वास यात्राओं के बाद अब भारतीय जनता पार्टी मंगलवार 11 जनवरी से प्रदेश भर में जनसंपर्क अभियान शुरुआत कर चुकी है। जौनपुर में इस अभियान के तहत कोरोना प्रोटोकॉल और गाइडलाइन का पालन करते हुए भाजपा के नेता और कार्यकर्ता लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। जनसंपर्क अभियान के माध्यम से बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदेश की जनता को केंद्र व योगी सरकार द्वारा किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं के लिए किए गए कार्यों की जानकारी दे रहे हैं और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आज से भारतीय जनता पार्टी ने जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। जितने लाभार्थी 2017 से लेकर आज तक जिनको आवास मिला है, जिनको शौचालय मिला है, जिनको किसान सम्मान निधि मिला है, जिनको आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है, गैस सिलेंडर मिला है, गैस चूल्हा मिला और विभिन्न अनेक सैकड़ों योजनाओं से जिनको भी लाभ मिला है, आज से हम लोग उनके यहाँ जा रहे हैं। बस्ती जिले के हरैया थाना के NH 28 पर मवेशियों से लदा ट्रक पलट गया, जिसमें ट्रक में सवार एक व्यक्ति और 4 भैंसों की मौत हो गई। यह हादसा बाइक को बचाने के चक्कर में हुआ। अचानक बाइक आने की वजह से ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। सूचना के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू कर ट्रक में फंसे लोगों और पशुओं को निकाला गया। हताहत तो उसमें जानवर लदे थे, भैंस और पड़वे शायद कटने के लिए जा रहे थे, उसमें 3-4 जानवरों की मौत हो गई है, एक उसमें व्यापारी बैठा था, उसकी भी मौत हो गई है।
हम लोग काफ़ी मशक्कत के बाद इसको निकाले हैं, अभी निकालने का कार्य जारी है। हमने फर्स्ट एज फर्स्ट रिस्पॉन्स हमने चिकित्सक पशु चिकित्सक और नेशनल हाईवे की टीम और पुलिस पर यहाँ पे उपस्थित है। प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ट्रक आ रहा था किसी टू व्हीलर को बचाने के लिए, उन्होंने अचानक टर्न लिया तो उस पर डिवाइडर पे चढ़ के ट्रक पलट गया है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया है। बाकी जो भी सूचना आएगी हमारे पास, क्या किसी की मौत भी हुई है इसमें? एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई है। देवरिया के विधानसभा बरहज से टिकट के प्रबल दावेदार प्रत्याशी व प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष गिरेंद्र प्रताप यादव ने मीडिया से बातचीत में बताया कि समाजवादी पार्टी मुझे बरहज से प्रत्याशी घोषित करती है तो विधानसभा बरहज की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कर देगी और मैं भारी मतों से विजय हासिल होऊंगा। बहुत बेहतर स्थिति रहेगी और 342 बरहज विधानसभा की जनता जनार्दन पिछले 2012 से ही हमारे पक्ष में आतुर है और 2017 में हम जब निर्दल चुनाव लड़े थे, जब हमको टिकट नहीं मिला था, तो बरहज की जनता जनार्दन ने ही चुनाव लड़ाया था और हम 20,000 वोट पाए। और इस बार समाजवादी पार्टी हमको टिकट दे रही है और जब हम टिकट से लड़ेंगे तो लगभग हम 1.5 लाख वोट पाएंगे। मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आज यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह और मुरादाबाद शहर के भाजपा विधायक नीतीश गुप्ता सहित सभी आरोपियों को 2014 के कांठ में मंदिर के लाउडस्पीकर को लेकर हुए बवाल मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। इस घटना में तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रकांत घायल हुए थे। लगभग 7.5 साल बाद अदालत का यह फैसला आया है और इस मामले में सभी 70 से अधिक आरोपियों को अदालत ने दोष मुक्त कर दिया है। हम सब लोगों को न्यायपालिका में कानून में विश्वास है और न्यायपालिका ने सारे चीज़ों का परीक्षण करके सभी को दोषमुक्त दिया है। मैं न्यायालय के आदेश का सम्मान करता हूँ। क्या क्या फैसला सुनाया अदालत ने, क्या कहा? सभी आरोपियों को, जो भी लोग थे, उनको दोषमुक्त कर दिया। ललितपुर में लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी है। वहीं ओलावृष्टि होने से किसानों की मसूर मटर चना की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खड़ी फसलों के नुकसान से जहां किसानों ने जिलाधिकारी के कार्यालय में मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, वहीं बर्बाद फसल के होते नुकसान को देखकर खेत में एक किसान ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद किसान संगठनों एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा भी सही समय पर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की गई। फसलों के हुए नुकसान पर जिलाधिकारी आलोक सिंह का कहना है कि मडावरा क्षेत्र में अधिक नुकसान हुआ है। किसान जो हमारे जो हैं वो कल भी मेरे पास आए थे, मैंने उनको बता दिया है। कल ही से हमारी टीम सर्वे कर रही है मडावरा और मैरौनी एरिया में, तो मैं खुद ही गया था कल देखने, तो वहाँ पे जो भी नुकसान तो हुआ है वो हम उसकी पूरी सर्वे करा के और आज तक हमारी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी तो उसको फिर शासन को ही भेज देंगे और उसे देखेंगे जितना भी उसमें कंपनसेशन मिल सकता है जो नियम के तहत। असमय ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों के ऊपर जो बरपा कहर, उसको देखते हुए कांग्रेस के नेता आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू जी से वार्ता के बाद ये तय हुआ कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से एक ज्ञापन दिया जाए और किसानों के साथ खड़े होकर के उनकी इस लड़ाई को उस हद तक लड़ी जाए जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला। खबर ललितपुर से है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बिजनौर एवं उत्तराखंड के सीमावर्ती जिलों पुलिस एवं आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जिला बिजनौर से मिलने वाली सीमाओं पर विशेष सतर्कता एवं सजगता की आवश्यकता है, जिसके लिए दोनों राज्य विशेष रूप से बिजनौर के सीमावर्ती जिलों के पुलिस एवं आबकारी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने की आवश्यकता है ताकि असामाजिक एवं आपराधिक तत्व चुनाव के दौरान शराब, अवैध धन तथा किसी भी प्रकार की सामग्री की तस्करी ना करने पाए जो निर्वाचन प्रक्रिया अथवा मतदाताओं को कुप्रभावित कर सके। फिरोजाबाद के थाना टूंडला के अंतर्गत हाईवे पर स्थित एक रेस्टोरेंट में कांग्रेस के एक पंचायत का आयोजन किया गया। कुछ ही दिन पहले चुनाव आयोग ने सभी मीटिंग, पंचायत और रैलियों पर रोक लगा दी थी, फिर भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पंचायत की। इस पंचायत में प्रियंका गांधी की फोटो छपे बैग भी बांटे गए। चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण नहीं देंगे भाई, ये तो लाजमी है भाई। हम कोई रैली या सभा तो करनी नहीं, हमारी माननीय प्रियंका गांधी जी ने सबसे पहले डिसीजन लिया है कि हम कोई भी रैली और सभा नहीं करेंगे बड़ी। आयोग की स्पेशल गाइडलाइन है, कोई ना सभा होगी ना रैली होगी ना कोई पंचायत होगी। आयोग की गाइडलाइन नहीं, नॉट पंचायत, दिस इज नॉट अ पंचायत, दिस इज ओनली ट्रेनिंग जो हम अपने कार्यकर्ता को देंगे।
कार्यकर्ता को हम ये नहीं बताएंगे, हम अपने जो बूथ अध्यक्ष है या हमारा वार्ड अध्यक्ष है, जो न्याय पंचायत अध्यक्ष है, उसको हम ये नहीं बताएंगे कि कैसे घर घर तक आपको पर्ची पहुंचानी है। अलीगढ़ में मिसेज इंडिया वर्ल्ड सीजन 4 का कार्यक्रम एक होटल में संपन्न हुआ। इसमें भारत के अलग अलग राज्यों से 30 से ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। इसमें 3 राउंड रखे गए थे, एक ट्रेडिशनल राउंड जिसमें अपने अपने राज्य को पोशाक के द्वारा प्रस्तुति करना था, टैलेंट राउंड, इंट्रोडक्शन राउंड, इंडो वेस्टर्न राउंड और फाइनल राउंड इवनिंग गाउन में था। इसमें मिसेज एशिया अतिप्रिया वाशने अलीगढ़ से विनर रही, मिसेज अर्थ मयूरी जैन एमपी विदिशा से रही, वहीं मिसेज इंडिया वर्ल्ड का खिताब प्रतिमा ने अपने नाम किया जो कि एमपी से ताल्लुक रखती है। जी मैं मिसेज इंडिया एशिया टू विनर रही हूँ 2022 ले डिवाइन की कंपनी से, जो कि एक नेशनल गवर्नमेंट कंपनी है, जिसकी डायरेक्टर है मिसेज पूनम कौशिक मैम एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है श्रुति सरल मैम, और मेरे ग्रूमिंग के सेशन के सर थे, उनका नाम था कपिल शर्मा और कपिल आहूजा, और इनकी जूरी मैम रही हैं क्या कहते हैं रूपल जी एंड एनी मैम। क्या थीम थी कार्यक्रम की? थीम जी उसकी थीम थी जो पिछड़ी हुई लड़कियां औरतें जिनकी शादी होने के बाद सोचते हैं कि उनके घर ही रह गया है काम के लिए। बाराबंकी में चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, जिसमें सरकारी राशन की दुकान पर कार्ड धारकों को पीएम और सीएम के फोटो लगे नमक तेल के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, तो वही कोटद्वार मुकेश सिंह के द्वारा मनमानी की जा रही है। ये पूरा मामला नगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयोग को कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि सोमवार 10 जनवरी को भाजपा के पार्टी कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधामोहन सिंह शामिल हुए। इस बैठक के बाद ही राधामोहन सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। उनका कहना है कि भाजपा का ये प्रचार घर घर जनसंपर्क अभियान नहीं रोका गया तो ये घर घर कोरोना वायरस फैलाओ अभियान साबित हो सकता है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।